الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انك حميد مجيد يا الهي دکھا دے ہم سب کو وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے یا الہی دکھا دے ہم سب کو وہ کیسا شہر مدینہ ہے میں نے سنا ہے کہ وہاں جا کر مر جانا بھی جینا ہے اور دلا غافل نہ ہو یک دم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر ہوئے گا ایک دن مردہ جو کیڑوں نے یہ کھانا ہے نہایت ہی واجب الاحترام میرے بزرگو میرے عزیزو معززین علاقہ دور دراز سے قرب و جوار سے علاقے بھر سے آئے ہوئے معزز علماء کرام آپ کی ہمت کو داد دیتا ہوں اور خصوصاً ایمان والی باپردہ عزت دار گھرانے کی باکردار ماں بہنوں بیٹیوں ہماری تو ایک عادت بن چکی ہے کہ راتوں کو جاگنا اور دن کو سفر کرنا اور آپ لوگوں کی ہمت حوصلے کو داد دیتا ہوں کہ تمام مرد خواتین حضرات اس وقت الحمدللہ اپنے ایمان کی پوری طاقت کے ساتھ یہ محفلیں جس کو کئی عنوان دیے جا سکتے ہیں
अजमत कुरान भी कहा जा सकता है, महफिल हमदोनाद भी कहा जा सकता है, सीरत सरवर कुनैन भी कहा जा सकता है, शान सहाबा भी कहा जा सकता है, इस्तेहकाम दीनी मदारिस भी कहा जा सकता है, इस्तेहकाम पाकिस्तान भी कहा जा सकता है, सीरत कानफ़स भी कहा जा सकता है, तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत भी कहा जा सकता है। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जब से इस प्रोग्राम का आगाज़ हुआ उस वक़्त से लेकर अब तक तमाम उनवानात पर खुल कर बोला गया, तमाम पहलू पर हजरात ने रोशनी डाली और अपने अपने ईमान की तरक्की पाकर आप हजरात की दुआओं के ज़ेर साया रुखसत हुए। मेरा भी नंबर आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी आपसे सिर्फ दुआओं की तवक्को ले रखता हूँ और उम्मीद है कि आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखोगे। और इंशाल्लाह जब भी मजमा और आप हजरात के अंदाज हमें याद आते हैं, क्योंकि 300, 400 या 500 अफराद ये सारे मिलके मुझे देख रहे हो, मैं सबको देख रहा हूँ और एक दिन में इससे ज्यादा भी इससे कम मजमे को आज चौथी मरतबा देख रहा हूँ। अल्लाह ने कुरान की बरकत से इज्जत दी और इतनी इज्जत मिली संभाली नहीं जा रही। हर एक की ख्वाहिश होती है कि हमारे प्रोग्राम में शामिल हों। हजरत अक़दस हाफिज मोहम्मद शाबान साहब, बरादर सगीर भाई मोहम्मद एहसान साहब और मस्जिद हाजा के कुछ साथी लाहौरी वाला में भी पीर जी मोहम्मद अफजल साहब के पास मुलाकात के लिए आए, इन्होंने इज्जत बख्शी। गुज़िश्ता साल से टाइम लें ना लें, कभी मिले ना कभी इनके यहाँ, और तकरीबन 3 साल से हज़रत शाह साहब बुखारी साहब के यहाँ भी उनकी मजलिस के लोग बहुत तगड़ो कोशिश कर रहे हैं, पिछली मरतबा भी इसरार भी नाराज़गी का इजहार भी, लेकिन आप हजरात की प्यार मोहब्बत भरी मसरूफियात बिठाए रखती हैं। तो आज तकरीबन 23 फरवरी से लेकर 29 फरवरी तक 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 यानी 8-9 दिन हो गए कि हमने रात को सो के देखा ही नहीं कि सोना क्या होता है। अभी भी सफ़र शुरू होगा सुबह 9 बजे, फिर एक जगह, फिर कल दोपहर में कहीं, रात में कहीं। घर से इंसान सब्जी लेने के लिए जाता है, वापस आता है, माँ कहते मैंने हूँ काम ना कहीं, यहाँ से मोटरसाइकिल पर बैठ के सिलेंडर भरवाने चले जाओ या कोई और काम करने चले जाओ, आके सब कुछ फेंक फांक के कमरे में लेटा होता है। मैं कभी कभी अपने वजूद पर गौर करता हूँ कि अब्दुल हन्नान, अगर माँ बाप तेरे पर तरस ना खाते, अल्लाह मेहरबान ना होता, तुझे मदरसे की चार दीवारी में ना ला के ना बिठाते, इस हालत में तेरे से रेड़ी चलाई जाती, तेरे से लोगों की दुकान पर मुलाजमत की जाती। खुदा की कसम इतनी बरकत कुरान की है, इतनी बरकत। अभी भी जिनके हम ठहरे हुए थे, बच्चे घर वाले, पहली मरतबा मैंने ज़िंदगी में उनको देखा है। कोकर साहब है, कौन है जिनके मकसूद हाजी, हाजी मीर साहब, उनके बच्चों को पता नहीं, आज हमारे लिए ईद का दिन है, कोई हमारे घर में आके बैठा। फिर मैं भी कुछ हदिया दे के आया, मैं कहा मैं बहन के घर पहली मरतबा आया हूँ भाई, हमारे पास यही है। अल्लाह ने मुझे एक पता नहीं एक मौजू पर बोलने की, माशरे पर कुछ अल्लाह पाक ने मुझे कबूल कर लिया। मेरी जो फील्ड के मेरे पेटी भाई ये खुतबा हजरात मुझे कहते हैं तू सबसे पागल खतीब है, पागल, एक पाँव तेरा यहाँ दूसरा वहाँ। परसों से जो चल सो चल है, तकरीबन 4:15 बजे सिंध के शहर दादू में मैंने दुआ करवाई, फिर जो चला हूँ तकरीबन ये 2-3 दिन में 9-10 प्रोग्राम, आज ये चौथा प्रोग्राम है, चल सो चल, चल सो चल। लेकिन बरकत कुरान की इतनी है, गाड़ी में नींद, पेट्रोल पंप पे गाड़ी रोकी, वहीं इस्तंजे से फारिग हुए, कहीं वजू किया, नमाज पढ़ ली,
ऐसा सुकून है, ऐसा इत्मीनान है, ऐसा इस काम के अंदर कुरान की नौकरी में ऐसा मज़ा है, न तनख्वाह बढ़वाने की ज़रूरत पड़ती है, न बोनस मांगने की ज़रूरत पड़ती है, न एहतजाज करने की ज़रूरत पड़ती है, अल्लाह वहाँ से रिजक देता है। अब तो हालत ये हो गई, शायद ही कोई फ्रूट की, कोई खाने पीने का होटल, कोई दुकान, हत्ता कि टायर पंक्चर वाला, वो हवा भरने वाला, वो भी आपको नेट पे देखता हूँ, कलम पता नहीं कौन से इलाके में दो दो ड्राइवर साथ हैं, इनके जिस्म टूट गए, हम चाय पीने के लिए, उन्होंने कहा ये चाय मेरी तरफ से तोहफा है, फिर जो मोबाइल में निकाला ये, फिर जब लोग हाथ मिलाकर मुसाफा करते हैं तो फिर मुझे एक चीज़ याद आती है, वो चीज़ क्या कि एक बूढ़ी सी औरत जब अपने सीने से लगा कर यूँ जब फी डाल के कहा करती थी ना, अल्लाह तेरी खैर करे, बस वो ऐसी खैर हो रही है, कहने वाली तो कब्र में चली गई लेकिन खैरें झोली में डाल के चली गई है। एक छोटा सा आप हजरात से मशवरा करके जाऊंगा, अपनी बहनों से भी भाइयों से भी, वो मशवरा ये है, जिंदगी के अंदर दोस्तों के सामने, बीवियों के सामने, शोहरों के सामने, अपने माँ बाप को हिकारत की निगाह से मत देखना, और कभी जिंदगी में भूल कर भी ये ना कहना कि साढ़े मापिया ने साढ़े लिए किता की है। आज का दिन, आज की तारीख नोट कर लो, गलती से ना कहना, अल्लाह की इज्जत की कसम उठा के कह रहा हूं, अगर कह दिया तो भाइयों कब्र के अंदर कफन तो लेके जाओगे, ईमान की दौलत लेके नहीं जाओगे। पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त मुसलमान को उसकी उसको उसके मनसब से हटाने पर, उसकी इज्जत के जनाजे निकालने पर, उसके घर के अंदर गैरत के नाम पर जो चादर चार दीवारी की मलका थी उसको बाहर लाने की इतनी कोशिश हो रही है, इतनी कोशिश। मेरी बहनों, में आपसे आज कुछ मुखातिब होकर एक बहुत लंबा सफ़र करके मदीने वाले से एक पैगाम लेके आया हूँ और वो आपको देने के लिए आया हूँ। मेरी बहनों, मेरी बाजियों, कभी अपने दुपट्टे और बुरके का सौदा न करना। आदमी का इंतकाल होता है, तीन कपड़ों में गुसल दिया जाता, कफन दिया जाता है, एक सीना बंद और दो चादरें। जब औरत का इंतकाल होता है तो पांच कपड़ों में कफन दिया जाता है, एक सीना बंद, एक अजार बंद, दो चादरें, उसके अंदर पूरा वजूद छुप जाता है, फिर एक रुमाल टाइप चादर होती है, वो गुसल देने वाली उसके सर के बालों का गुत्था सा बना के उसमें छुपा देती है। मैंने जब इस औरत को, माँ बहन को पांचवी चादर ओढ़ते देखा तो मेरे दिल ने मजाक की सूरत में अंगड़ाइयां लेना शुरू की, कहने लगा देख यार, सारी जिंदगी ससुर के सामने, देवर जेठ के सामने, भाई भाई के दोस्तों के सामने, बाप के सामने, इसने कभी जिंदगी में दुपट्टा नहीं लिया, अब इसके सर पे क्यों दुपट्टा डाला। मैंने अपने ख्यालात के रुखों को जमीन से उठाया, आसमान की तरफ किया, मैंने कहा इन मुर्दों की बस्ती में, मैंने कहा इनकी बस्ती में मुझे कोई जवाब नहीं मिला, अर्श वाले तू जवाब दे, जिसने जिंदगी में चार साल की उम्र से लेकर 60 साल की उम्र तक दुपट्टे और बुरके को उतार कर यूं कहा कि मेरी मर्जी मेरा जिस्म, ये आज मरने के बाद इसे दुपट्टा क्यों दिया, तो अर्श वाले ने जवाब दिया, दुनिया वालों की गैरत मर गई, तुम्हारा रब बड़ा गैरत वाला है,
जब तक तुमसे मिलती रही बेटी बहू बीवी के रूप में, बहन के रूप में, तो इसने सर पर चादर नहीं ली, क्योंकि गैरत नाम की चीज तुम्हारे पास थी नहीं। अब कब्र में आ रही है, इसकी पहली मुलाकात मेरे साथ होगी। मैं नहीं चाहता कि जब मेरे सामने खड़ी हो तो इसका सर नंगा हो। पालपुर के गयूर मुसलमानों, जो अल्लाह कब्र में नंगा सर बर्दाश्त नहीं करता, तो दीपालपुर के बाजारों में नंगा सर कैसे बर्दाश्त करेगा। मेरी बेटी, तुम्हारे पास कोई जवाब है तो ऊपर से पर्ची फेंको मेरे पास। ये अल्लाह ने तुम्हें, एक तुम्हारा हुसन था, ब्यूटी पार्लर नहीं, अल्लाह ने तुम्हारा हुसन मुकर्रर किया था, पर्दा, तुझे इस रूप में निखारा था कि तेरे पर्दे की कसमों को अल्लाह ने कुरान में बयान किया था। 8 मार्च को इस धरती के ऊपर एक बहुत घिनौनी साजिश हो रही है, गैरतमंद सोचों को बेगैरती की सोचों में तब्दील किया जा रहा है कि मेरी मर्जी, मेरा जिस्म, ना शोहर का पाबंद, ना भाई का पाबंद, ना बाप की गैरत का पाबंद। मैं जिसके बिस्तर पे जाऊं, लेट जाऊं, इंशाल्लाह ईमान वाली की इतनी गैरत कम नहीं हुई। ये तो एक कुछ मखसूस तबका है जो इस उम्मत की उन मुकद्दस माओं की गोद को खोखला करना चाहता है जिन गोद में हुसैन और सिद्दीक अकबर के गुलाम आने वाले हैं। इंशाल्लाह इन गैरतमंद घरानों की तरफ की उंगली उठा के नहीं देखेगा, अल्लाह निकालेगा। लेकिन मेरी बहनों, एक छोटा सा सवाल और आपसे एक अर्ज विनती करके जा रहा हूं, अगर 8 मार्च को पता लगे कि ये इतना बड़ा धरती के ऊपर जुल्म हो रहा है, तो अज़राए करम तुम्हारी गली में कोई आकर आवाज लगाए ना कि आलू 10 रुपए किलो, प्याज 40 रुपए किलो, तो उस दिन तुम्हारे सब्जी की जरूरत हो तो दरवाजा खोल के बच्चे को भेज देना, सब्जी लेने के लिए भी बाहर गली में नजर ना आना, कि अल्लाह की गैरत वाली चादर को जला ला जाए और परवरदिगार आलम उन बेगैरतों के अंदर इन गैरत वालों का नाम लिख दे। अव्वल तो ये जिम्मेदारी आप मर्दों पे डालिए, कपड़े लाना और सब्जी लाना आपके जिम्मे एक जिम्मेदारी है। जो आपकी गोद है ये इस्लामी पब्लिक स्कूल है, इस गोद के अंदर इस्लाम का निसाब है, तहजीब और तरबियत हुस्नुल अखलाक का निसाब है। अज़राए करम इस स्कूल के निसाब को तब्दील मत कीजिए। 1, 2, 3 और पोयम और ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, इसका निसाब कुरान है। नहीं यकीन आता, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की माँ से पूछ। नहीं यकीन आता, बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर की माँ से पूछ। नहीं यकीन आता, अल्लाहु अकबर पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की माँ से पूछ। नहीं यकीन आता, हुसैन की माँ से पूछ। ये तुम्हें बताएंगी कि इस पब्लिक स्कूल के अंदर, इस इस्लामी स्कूल के अंदर हमने आने वाले को जो निसाब कुरान और इश्के रसूल का दिया था, फिर ये तालिब इलम हमें सिनेमा घर और ये तालिब इलम हमें जुओं के अड्डे पे नजर ना आया, या तो तलवारों के साए में सजदा करता नजर आया, या नेजे की एनियों पर कुरान की तिलावत को सुनाता नजर आया। आज हमने अपनी औलाद को सब कुछ दिया, मेरी बहनों सुनना और मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों आप भी सुनना, आज हमने अपनी औलाद को सब कुछ दिया, नहीं दिया तो सीने का प्यार नहीं। वो 5 साल की उम्र, वो 6 साल की उम्र, बाप ने घर आना, कपड़ों से पसीने की बदबू और कपड़े छिटे हुए होने और हाथों में गंदगी और पैरों के जूतों पर गर्दो गुबार होनी, और उसने अपने रुमाल में एक पोटली सी बनाकर 2-4 सेब के दाने, 1-2 अमरूद के दाने, 1-2 खीरा तर, फिर धनिया, फिर उसी में बर्फी, फिर उसी में जलेबी, ये गठड़ी सी बना के जब लाया करता था, अल्लाह अकबर। फिर औलाद में से बच्चे कहते थे, मेरा अब्बू है तेरा नहीं, मेरा है तेरा नहीं। फिर एक कोने में जाके रोती थी, एक इधर रोता था,
उसको कहते आ मेरी पुत्री, आ मेरा पुत्र, क्यों रो रही तू, एदा नहीं मेरा है। वो कहता नहीं एदी नहीं मेरा है। ये जो घर के अंदर प्यार था ना, ये असेंबली की जो हलचल थी, ये घर के वजीर की आजम की जो असेंबली के अंदर शिकायतें चलती थी, अम्मी ने यूं मारा, अम्मी ने यूं मारा, अम्मी ने यूं मारा। तो फिर जो घर का सदर था ये हंस हंस के कहता था पुत्र तेरी माँ है, तेरी माँ है, तेरी माँ है। 16 जमात तक का निसाब माँ को माँ का दर्जा नहीं देता, जो 6 साल की उम्र में बाप का मीठा बोल माँ को माँ का दर्जा देता था। वो हमारे घरों से चीज गुम हो गई, वो बाप का सीने पर लिटा के सितारों का गिनना, माँ का गोदी में बिठा के चंदा मामों की कहानी सुनाना, माथे पे प्यार दे के आंखों में सुरमा लगाना, फिर गोद में बिठा के कुरान पढ़ पढ़ के फूके मारना, फिर रात को आयतल कुर्सी पढ़ के उंगली का माँ को घमाना, फिर रात को करवटे बदल बदल के उठ उठ के देखना सो रहा है क्या कर रहा है, फिर रजाई में मुंह लेके चुपके चुपके खिलबली करना, फिर माँ ने कहना बाज नहीं आएगा, यूं करूंगी अगर तू सुबह फजर में ना उठा तो यूं पिटेगा। अब माँ कहती है तूने सुबह स्कूल ना गया तो यूं होगा, तुम्हारा रंग भी बदल गया, तुम्हारा ढंग भी बदल गया। जब किसी स्कूल का निसाब चेंज हुआ तो फिर यहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट ने ना तुम्हारा तुम्हें एहतराम दिया और ना मरते वक्त अपनी जुबान से तुम्हें कलमा किया है। अपने बच्चों को ये चीज दीजिए। आपने बचपन में इनको करीब नहीं लगाया, आज मैं आपसे कुछ बोलने के लिए आया हूं, मैं आज इनका वकील, इन मासूमों का वकील बन के आप हजरात से, सफेद दाढ़ियों वालों से, जिनकी जिंदगी की आखिर अब इनको कब्र की तरफ लेके, जब मैं आपसे मुखातिब हूं, क्या करके जा रहे हो? जो बच्चा घर फोन करके कहता है कि अब्बू सो गया है, अब्बू किथे बैठा है, मैं दरवाजे पर आऊंगा घंटी मारूंगा दरवाजा खोल देना, चुपके से कमरे में जाके लेट गया। जिस बेटे का ये दिल नहीं करता कि रात की तारीकी में बाप का चेहरा देखूं, जो बच्चा रात के अंधेरे में बाप का चेहरा नहीं देखता, मरने के बाद कब्रिस्तान में कब्र जाके देखेगा? भूल जाओ, भूल जाओ। नहीं यकीन आता मेरे साथ कब्रिस्तान चलिए, मैं हर कब्र पे खड़ा होके जहां लिखा होगा वालदा मरहूमा और वालिद मरहूम, मैं जाके हर कब्र वाले और वाली से पूछूंगा कि तेरा बच्चा लेके आया हूँ, इससे प्यार है का? प्यार तो बहुत है लेकिन एक गिला जरूर है, इससे पूछ वो प्यार कहाँ चला गया? साल हो गया जुदा हुए, पूरे साल में एक मर्तबा भी मुलाकात करने नहीं आया है। ये कब्रों की मट्टी की अफसुर्दगी तुम्हारे से गिला कर रही है, ये कब्रिस्तान की खामोशी तुम्हारे से गिला कर रही है कि कब आएगा कुरान की रौनक से हमारे कब्रिस्तान की मायूसियों को उम्मीदों में दुबाला करके जाएगा। मेरे अजीजो बहुत कुछ खो दिया पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर मैं अखलाक से गिरी हुई, किसी की किरदार कशी मैं करता ही नहीं, किसी की जात पर की, क्योंकि 24 घंटे में औरतों के, मर्दों के, बच्चों के मोबाइल में, रेडी वालों, गोल गप्पों वालों के मोबाइल में, मैं ऐसी बात करता ही नहीं कि मुझे देख कर कोई यूं करके ऊपर करे और नफरत का इजहार करे। मैं तो उस नबी का उम्मती हूं जो 23 साल दौरे नबूवत में ऐसा प्यार का सबक दे के गया, फिर एक जमात खड़ी करके चला गया, उस जमात के रंग ढंग को देखकर 1400 साल बाद लिखने वाले ने यूं लिखा, खुद न थे जो राह पर औरों के हाथी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को। उसने पढ़ा है, उनको देखा नहीं है। ऐसा प्यारा अखलाक लेके आए, ऐसी प्यारी जिंदगी लेके आए, नफरत का तो नाम था ही नहीं, या तो साथ बैठने वाले को बर्दाश्त नहीं करता,
या तो साथ बैठने वाले पर एक मस्जिद में एक सफ में बैठने वाले दो नमाजी एक दूसरे को काफिर कहकर उठते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु पास खड़े, एक जनाजा आ गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजा पढ़ाइए। किसका है? मोमिन का। जनाजे के लिए आगे बढ़े, हज़रत उमर ने बाहें फैलाई, ना 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 ना, इसका ना जनाजा पढ़िए। कौन कह रहा है? हज़रत उमर झूठ बोल सकते हैं? हज़रत उमर की बात गलत हो सकती है? इसका जनाजा मत पढ़ाइए। उमर क्यों? इन्नहु रजुलुन फासिक, मेरी जांच के मुताबिक गुनाहगार है, बड़ा गुनाहगार। अच्छा, तसल्ली होला थी, ठंडा हो। जनाजा पढ़ने वाले जितने थे मेरे सहाबा, जी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई आदमी इसकी गवाही देगा? कोई आदमी तुम में इसकी गवाही देगा कि इस आदमी को जितने जनाजा पढ़ने आए हो, इन सारों में से किसी ने इसको जिंदगी में कभी कोई एक नेकी करते देखा हो? कभी जिंदगी में कभी, इतने से लेकर इतने तक। सहाबा की सफों में से एक सहाबी आए, मैंने क्या देखा? हरस लैलतन फी सबीलिल्लाह, एक रात इसने अल्लाह के लिए अल्लाह की मखलूक पे पहरा दिया था, मैंने देखा था। मैं उमर सफ बनाओ, सहाबा सफ बनाओ, जनाजा उठाओ, मेरे आगे करो। फिर नबी ने जनाजा पढ़ाया, फिर उसके साथ जनाजे के साथ साथ चले, फिर कब्र में उतार के मट्टी डाली, फिर सराने खड़े हो के मोटे मोटे आंसू आंखों से निकाले, और फिर साहिब कब्र की तरफ उंगली का इशारा किया, फिर दूसरा इशारा सहाबा की तरफ। सारी दुनिया तुझे गुनाहगार समझती है, कसम है उस रब की जिसके कब्जे में मेरी जान है, मैं मोहम्मद तुझे जन्नती होने की जमानत दे रहा हुआ। कभी जिंदगी में कोई नेकी करते देखा है? कभी सोचना, घर जाके सोचना, मेरी इसके पीछे नमाज नहीं होती, बेटो वसीयत करके जा रहा हूं, मेरे जनाजे में आए लित्र पोला करना, मारना, सगी बहन मेरे जनाजे की चरपाई को हाथ लगाने मत देना। भाई कह रहा, पुत्र अगर चाचा आवे ना तो फिर फंड छड़ी मेरे को, फिर आ जाई। कभी जिंदगी में कोई नेकी करते देखा है? जाओ रोजा अनवर पर दस्तक दे के आओ, कि जिनके अंदर गुलाब के फूलों से ज्यादा महक छोड़ के गए थे, आके देखो तो सही नफरतों की कितनी गंदी बदबू आ रही है। मियां बीवी को देख लो, बहन भाइयों को देख लो, रिश्तेदारों को देख लो, मामा भांजे को देख लो, चाचे भतीजे, कोई एक जगह खड़े होने को तैयार ही नहीं। साजिशें हो रही हैं, किसी की बद्दुआ और आह से बचना, किसी का गिला कर दिया और उसके अंदर वो बात ना हो, बच जाना और माफी मांग लेना। खड़ा होके जहां लिखा होगा वालदा मरहूमा और वालिद मरहूम, मैं जाके हर कब्र वाले और वाली से पूछूंगा कि तेरा बच्चा लेके आया हूं, इससे प्यार है? का प्यार तो बहुत है, लेकिन एक गिला जरूर है, इससे पूछ वो प्यार कहां चला गया, साल हो गया जुदा हुए, पूरे साल में एक मर्तबा भी मुलाकात करने नहीं आया है। ये कब्रों की मट्टी की अफसुर्दगी तुम्हारे से गिला कर रही है, ये कब्रिस्तान की खामोशी तुम्हारे से गिला कर रही है कि कब आएगा कुरान की रौनक से
हमारे कब्रिस्तान की मायूसियों को उम्मीदों में दुबाला करके जाएगा। मेरे अजीजो, बहुत कुछ खो दिया पूरी दुनिया के अंदर। मैं अखलाक से गिरी हुई, किसी की किरदार कशी मैं करता ही नहीं, किसी की जात पर की, क्योंकि 24 घंटे में औरतों के, मर्दों के, बच्चों के मोबाइल में, रेडी वालों, गोल गप्पों वालों के मोबाइल में मैं ऐसी बात करता ही नहीं कि मुझे देखकर कोई यूं करके ऊपर करे और नफरत का इजहार करे। मैं तो उस नबी का उम्मती हूँ जो 23 साल दौरे नबूवत में ऐसा प्यार का सबक दे के गया, फिर एक जमात खड़ी करके चला गया। उस जमात के रंग ढंग को देखकर 1400 साल बाद लिखने वाले ने यूं लिखा, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को। उसने पढ़ा है, उनको देखा नहीं है। ऐसा प्यारा अखलाक लेके आए, ऐसी प्यारी जिंदगी लेके आए, नफरत का तो नाम था ही नहीं। या तो साथ बैठने वाले को बर्दाश्त नहीं करता, या तो साथ बैठने वाले पर, एक मस्जिद में एक सफ में बैठने वाले दो नमाजी एक दूसरे को काफिर कहकर उठते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु पास खड़े, एक जनाजा आ गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजा पढ़ाइए। किसका है? मोमिन का। जनाजे के लिए आगे बढ़े, हज़रत उमर ने बाहें फैलाई, ना 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 ना, इसका ना जनाजा पढ़िए। कौन कह रहा है? हज़रत उमर झूठ बोल सकते हैं? हज़रत उमर की बात गलत हो सकती है? इसका जनाजा मत पढ़ाइए। उमर क्यों? इन्नहु रजुलुन फासिक, मेरी जांच के मुताबिक गुनाहगार है, बड़ा गुनाहगार। होला थी, ठंडा जनाजा पढ़ने वाले जितने थे, मेरे सहाबा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई आदमी इसकी गवाही देगा? कोई आदमी तुम में इसकी गवाही देगा कि इस आदमी को जितने जनाजा पढ़ने आए हो, इन सारों में से किसी ने इसको जिंदगी में कभी कोई एक नेकी करते देखा हो? कभी जिंदगी में, कभी इतने से लेकर इतने तक। सहाबा की सफों में से एक सहाबी आए, मैंने क्या देखा? हरस लैलतन फी सबीलिल्लाह, एक रात इसने अल्लाह के लिए अल्लाह की मखलूक पे पहरा दिया था। मैंने देखा था, मैं उमर सफ बनाओ, सहाबा सफ बनाओ, जनाजा उठाओ, मेरे आगे करो। फिर नबी ने जनाजा पढ़ाया, फिर उसके साथ जनाजे के साथ साथ चले, फिर कब्र में उतार के मट्टी डाली, फिर सराने खड़े हो के मोटे मोटे आंसू आंखों से निकाले, और फिर साहिब कब्र की तरफ उंगली का इशारा किया, फिर दूसरा इशारा सहाबा की तरफ। सारी दुनिया तुझे गुनाहगार समझती है, कसम है उस रब की जिसके कब्जे में मेरी जान है, मैं मोहम्मद तुझे जन्नती होने की जमानत दे रहा हुआ। कभी जिंदगी में कोई नेकी करते देखा है? कभी सोचना, घर जाके सोचना, मेरी इसके पीछे नमाज नहीं होती, बेटो वसीयत करके जा रहा हूं, मेरे जनाजे में आए लित्र पोला करना, मारना, सगी बहन मेरे जनाजे की चरपाई को हाथ लगाने मत देना। भाई कह रहा, पुत्र अगर चाचा आवे ना तो फिर फंड छड़ी मेरे को, फिर आ जाई। कभी जिंदगी में कोई नेकी करते देखा है? जाओ रोजा अनवर पर दस्तक दे के आओ, कि जिनके अंदर गुलाब के फूलों से ज्यादा महक छोड़ के गए थे, आके देखो तो सही, नफरतों की कितनी गंदी बदबू आ रही है।
मियाँ बीवी को देख लो, बहन भाइयों को देख लो, रिश्तेदारों को देख लो, मामा भांजे को देख लो, चाचे भतीजे, कोई एक जगह खड़े होने को तैयार ही नहीं। साजिशें हो रही हैं, किसी की बद्दुआ और आह से बचना, किसी का गिला कर दिया और उसके अंदर वो बात ना हो, बच जाना और माफी मांग लेना, बोलो मुझे माफ कर दो, मेरी तरफ देख के इबरत हासिल करो, किसी से जुल्म ना करना, किसी से ज्यादती मत करना। एक आदमी ने कहा, यार तू शोर करता फिर रह बाजार के अंदर, चुप कर। कहने लगा चुप करने का वक्त खत्म, ज्यादती मत करना किसी के साथ। खैर तो है, ज्यादती ना करना, ज्यादती ना करना। जब उसने यूं करके अपने कंधे दिखाए तो यहां तक बाजू कटे हुए थे। ओ आरे में पट्ठों की मशीन में आ गए, गन्ने का कुछ। पैदाइशी है कि नहीं पता नहीं, इस हाथों से कितनों को मारा है, कितनों पर तनकीद की उंगलियां उठाई हैं, कितनों को कहा है कि इन जैसे गंदों से पाकिस्तान की धरती खराब है। अच्छा कथे कहाँ कहे कहाँ, लगे एक दिन घर से निकला लशपश, समझो लशपश, ये मूछे और ये खुशबू और ये स्टड, ये अंगूठियां और यहां तक मूछे और ड्रामेबाजी, वो कटिंग दाढ़ी की, बस मुझे जो देख के पाजी सलाम अलैकुम, पाजी सलाम अलैकुम। कयामत कब आएगी? आदमी की इज्जत उसकी शराफत की वजह से नहीं, उसकी बदमाशी की वजह से की जाएगी। समझ लो आने वाला दिन कयामत का होगा। कयामत कब आएगी? बेटियां माओं को जलील करने लगे, कयामत आ रही है। हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह से पूछा, कौन सी मौसीकी हराम है? तबला, सरंगी, घुंघरू, पायल, डफली, दफ, कौन सी मौसीकी हराम है? कहने लगे बैठ बताता हूँ। समझ आ रही है आपको? कौन सी मौसीकी हराम है? अमीर की हवेली के साथ गरीब की झोंपड़ी हो, अमीर के घर में इतना खाना हो कि कुत्ते भी देखकर पीछे हट जाए, रजे पड़े हों, और उसके घर के किचन से खाने की मुख्तलिफ डिशेस की खुशबू आती हो, और फिर डाइनिंग टेबल पर जब खाना लगे और प्लेट के अंदर चमचियां बजने लगें और गरीब करवट बदल बदल कर उन चमचियों की आवाजों को सुन रहा हो, और उस दिन उसके घर के चूल्हे में आग न जली हो, उस दिन उसके बच्चे भूखे सो रहे हों, और तेरे घर की प्लेटों में जो चमचे की आवाज बजे, फरमाया ये वाली मौसीकी सबसे बड़ी हराम है। दीन बस नमाज रोजा ज़कात ही है, कोई दीन नहीं है। मस्जिद में आए चार पांच नमाजें पढ़ी, यही दीन है और कोई दीन नहीं। उसने कहा मेरी तरफ देख, हाथ सब कुछ सलामत था, लिटाया मार दिया, जलील कर दिया। पंचायती सोच के फैसले किया करो, और चलो छड्डो जी मुंडा है, मारो पंच छित्तर ते कर दो मुंह काला, अल्लाह नहीं देख रहा, पर्दे में ही फैसले कर दो और माफी तिलाफी दुनिया के अंदर कर लो, किसी से ज्यादती हुई दुनिया में माफी सुमा मांग लेना, भाई से मांग लेना, बहन से माफी मांग लेना। उसने कहा देख ये मेरे हाथ सब कुछ था, जब निकला घर से तो लोग हटो बचो हटो बचो हटो बचो की आवाजें आने लगी। एक आदमी शाम का वक्त था, उसके कपड़ों की पसीने की बदबू बतला रही थी, आज उसकी सारी दिन की कमाई इस थैली के अंदर है। बस मैं आगे बढ़ा और उसकी थैली को यूं करके मैंने हाथ, उसने कहा पाजी 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 मेरे बच्चियां लाइए, पाजी मेरे बच्चियां लाइए।
चल तेरे बच्चे कसमा दा सिर खान। मैंने वो थैली खोली तो एक मछली का दाना था। फिर जब मैं उसके हाथ से थैली लेके जितनी दूर गया वो यूं करके मुझे देखता, फिर आसमान को देखता, यूं देखता फिर आसमान को देखता। मैंने यूं मुड़ के देखा, उसके आंसू जो गिरे तो उसके सीने के हिस्से को कपड़े के तर कर दिया। कब वो अपने घर, मैं अपने घर। बीवी को कहा ऐसी लजीज पका के उंगलियां चाटता रहूं। बीवी ने पकाई, मैंने खा के उंगलियां चाटी। मौलाना रात नहीं गुजरी थी अंगूठों में दर्द होना शुरू हो गया। सुबह उठा तो इन उंगलियों में पिलाहट थी, हाथ नहीं लग रहा था। मैं इलाके के सबसे बड़े डॉक्टर तबीब के पास गया, उन्होंने कहा उंगलियों में तो पस पड़ गए, जहर बाद फैल रहा है, फौरन अंगूठे काटने पड़ेंगे। कब मैंने अंगूठे कटवाए, अगला दिन नहीं गुजरा था, हथेलियाँ पीली हो गई, उंगलियाँ पीली हो गई और डॉक्टर ने यहाँ तक काट दिया। 8 दिन बाद कोहनियों तक काट दिया, 1 महीने बाद कंधे तक काट दिया। 1 दिन मुझे गिरता पड़ता उठा के लाए तो मेरी गर्दन पीली थी। डॉक्टर ने कहा ये भी काटनी पड़ेगी। मैंने कहा डॉक्टर साहब बड़े बड़े इंजेक्शन और बड़ी बड़ी दवाइयाँ ले ली, फर्क क्यों नहीं पड़ता। चल ला इलाज मर्ज है, ये तो बता कौन सा मर्ज है। डॉक्टर कहने लगा नाराज तो नहीं होगा सच बतला दूं। उसने कहा हाँ, कहा अल्लाह की कसम ये मर्ज नहीं, ये किसी की बद्दुआ है। ये मर्ज नहीं किसी की बद्दुआ है, तलाश कर वरना बोटी नहीं बचेगी। बस फिर वो निकला उस मछली वाले को तलाश करने, करिया करिया गांव गांव फिरता रहा। बिल आखिर उसका पता लग गया। कहा पहचानते हो? कहा नहीं। कहा नहीं पहचानते? कहा वही हूँ जो तेरे हाथ से मछली छीन के गया था। कहकर मत झूठ बोल, तेरे तो हाथ ही कोई नहीं। कहा जिस दिन छीनी थी थे, अब नहीं। इतनी जल्दी बदला ले लिया? उन्होंने कहा क्यों? कहा ना तुझे पकड़ सकता था, ना रोक सकता था, ना तेरे खिलाफ रपड़ दर्ज कर सकता था। जब तू भरे मजमे में मछली छीन के गया तो एक ने कहा सबर कर, एदा मुकाबला कौन करे, एदा कौन करे। तो मेरे कान में आवाज आई तुम नहीं करोगे, मैं तो जरूर करूंगा ना इसका मुकाबला। फिर मैंने यूं करके देखा तो मेरी आंख से आंसू निकला और मेरे मुंह से एक जुमला निकला, अल्लाह मैं तो मजबूर हूं, तू तो मजबूर नहीं है। कि तुझे पता है कि जिस दिन मैं तुझे मछली दे के घर आया उस दिन मेरे बच्चों ने कुछ नहीं खाया। माफ कर दे वरना बोटी नहीं बचेगी। ये कोरोना वायरस ये क्या है? पता नहीं किसकी बद्दुआ कहां से निकली। पता नहीं किसकी बेटी के साथ क्या हुआ, किसके बेटे के साथ क्या हुआ, किस माई के मुंह पर किसी ने थप्पड़ मारा, किस बाप की दाढ़ी को पकड़कर बेटे ने छिड़क दिया और दाढ़ी को नोच दिया। उसका निजाम इंतकामी हरकत में आ गया। चलो जब ये कोरोना वायरस शुरू हुआ तो उस वक्त मोबाइलों के ऊपर एक आदमी गोश्त मार्केट गया, उसने चमगादड़ दी, उसका सूप बनाया, फिर पिया, फिर औरत के करीब पिया, रिलेशनशिप हुई, फिर ये वायरस फैला। चल उसने तो चमगादड़ का सूप पिया, ये सराय आलमगीर के अस्पताल में, जेलम के अस्पताल में, कराची में 40 मरीज पड़े हैं, लाहौर के, इन्होंने कौन सा सूप पिया था?
बर्मा, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इंग्लैंड, अमेरिका, सऊदी अरब वालों ने वीजे बंद कर, इन्होंने कौन से सूप किए थे? सूप नहीं था, किसी को आंसुओं के साथ रुलाया, उससे बर्दाश्त ही नहीं हुआ। मेरी बहनों, तुम घर में झाड़ू क्यों देती हो? और जब घर में झाड़ू दे के फर्श पे पोछा मारती हो, सगा बेटा जूते पहन के मारोगी झाड़ू पैरों पर, अभी इतनी मेहनत से मैंने साफ किया है, घर का फर्ज इतना अजीज के बेटे को कदम रखने की इजाजत नहीं देती, और गंद घर में हो जाए कहती मुझे अच्छा नहीं लगता, झाड़ू फेर के कहती अब सुकून आया। अल्लाह की धरती पर जब माओं को जलील किया जाने लगे, बापों की सफेद दाढ़ी का दोस्तों के सामने मजाक उड़ाया जाए, सगी बहनों की इज्जतों को तार तार किया जाए, बीवी के वकील बनकर माँ बाप को लानतें की जाए, सूद का बाजार गर्म हो, सूद पर कमेटियां डली हो, ठंडा पानी पीने के लिए सूद के पैसों पे फ्रिज घर में आया हो, तो उसकी जमीन भी तो गंदी हो गई। जब तुझे तेरे घर का फर्श अच्छा नहीं लगा, तो उसे भी धरती का फर्श गंदा अच्छा नहीं लगा। उसने जानी को और उसने शराबी को और उसने पापी और गुनाहगार को इस जमीन से मिटाने के लिए पता नहीं कभी कोई वारिस भेज दिया। मैं कल जब खानपुर से सलादा इज्तमा जावे अब्दुल्ला बिन मसरूद का जुमे के बाद की नशिस्त थी, आप मेरा कली मोबाइल पे देखे, मैं नबी की गुलशन पे बात कर रहा था, मौला अब्दुल करीम नदीम और पीर हबीब और रहमान दरखास्त थी, ऐसे जैसे बच्चों की तरह बिलक बिलक के रो रहे थे, और पता नहीं मेरा रब उस वक्त मेरे से क्या कहलवा रहा था। फिर मैं वहां से चला, फिर जो बारिश का तूफान था, मैं कबीर वाले के पास पहुंचा, अब्दुल हकीम के एक साथी का फोन आया, हाजी आपने गोजरे जाना था, मेरे का पहुंचूंगा, मतलब बारिश, फिर वो रोया, कहने वाली साहब फसल तबाह हो गई, छटाक छटाक का गड़ा पड़ा, और वाकई हमारी तो गाड़ी का वाइपर टूट गया, इतनी बारिश, इतनी जिंदगी में हमने नहीं देखी शिद्दत की, 3 घंटे जो बारिश फसलें जमीन पे गिर गई, समझते क्या हो, कब तलक बर्दाश्त करूं, कब तलक बर्दाश्त करूं। अब्दुल हन्नान अहलिया ने दीपालपुर से जाके बतला दे बर्दाश्त की भी कोई हद होती है, कब तक बर्दाश्त करूं, कब तक मैं तुम्हारे हालात को देखूं, मुझे मेरी इज्जत की कसम है, मुझे मेरा नबी रोके दिखा के ना गया होता, मैं कब से जमीन से तुम्हारा सफाया कर देता। पाक धरती पर जुल्म होते देखता हूं, अजाब देने का इरादा करता हूं, जैसे नजर जमीन पे डालता हूँ, अल्लाहू अकबर, सब्ज रंग का रोजा अनवर गुम्बद खजरा मेरी सामने आ जाता है, ओ लोगो, अपने नबी का रोजा देख के मैं अल्लाह का गुस्सा ठंडा हो जाता है। मैंने अपने नबी से वादा कर लिया, वमा कान अल्लाहु लियुअज्जिबहु वअंत फीहिम, मेरा हबीब जब तक तू इनमें रहेगा, मुझे मेरी इज्जत की कसम है, बर्दाश्त करूंगा, मैं इनको अजाब नहीं दूंगा। इतना औलाद नहीं रोई नौकरी के लिए, मुलाजिम नहीं रोया, इतना जिम्मेदार अपनी फसल के लिए नहीं रोया, इतनी औरत में औलाद नहीं रोई जितना कमली वाला अपनी उम्मत के लिए रो के गया है। कयामत का दिन होगा, हुजूर अलैहिस्सलाम ने आपसे मेरे से सवाल कर लिया, आपकी आल औलाद ने सवाल कर लिया, आपके खानदान ने आपके वो नौजवान जो करबला के मैदान में जाम शहादत नोश कर गए उन्होंने सवाल कर लिया, तो ईमानदारी से बताओ आपके मेरे पास जवाब देने के लिए कौन सी बात होगी। पूरे करबल के शाह सवारों में एक नौजवान बचा जिसे दुनिया इमाम ज़ैनुल आबिदीन के नाम से याद करती है।
जिस दिन बाप की शहादत हुई जवानी बुढ़ापे में बदल गई, उस दिन से लेकर मौत तक कभी हाथ से डंडा न छूटा। लोगों ने कहा जवानों डंडे की क्या जरूरत है। कहने लगे बाप को जिस हालत में देखा खुदाए पाक की कसम टांगों से जान खत्म हो गई। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की दूसरी घरवाली हजरत हसन हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की दादी जान और इमाम ज़ैनुल आबिदीन की परदादी जान, जब पता लगा सारे खानदान नबूवत के चराग करबला के मैदान में गुल हो गए, एक इमाम ज़ैनुल आबिदीन बचा। पता लगा ये लोग मदीने में आ रहे हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का इस्तकबाल करने के लिए जब मदीने से बाहर आई, परदादी ने अपने पड़पोते को देखा, हिचकियाँ भर मार के रोने लगी, हिचकियों के साथ रोने लगी, आंसुओं के साथ रोने लगी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने पूछा परदादी अम्मा क्या बात है। कहा 18 साल से 25 साल तक के नौजवान, जब तुझे मेरे मदीने से प्यार देकर रुखसत किया था, अल्लाह की इज्जत की कसम है तेरी दाढ़ी में एक बाल भी सफेद नहीं था। अब कुछ अरसे के बाद मदीने में आया, तेरी सारी दाढ़ी सफेद हो गई। ओ बच्चे बता तेरी दाढ़ी का काला रंग कहां गया। अपनी परदादी के कंधे पर सर रख के रोने लग गए। कहने लगे अम्मा जान मेरी तो दाढ़ी सफेद हुई, अल्लाह की इज्जत की कसम जो मैं मंजर देख के आया तेरे जिस्म में जानी बाकी न रहती। इमाम मूसा काज़िम रहमतुल्लाह ने अल्लाह अकबर फरमाया करते, जब से मेरे अब्बा जान को अपने अपने रिश्तेदारों को हमने देखा खुदाए पाक की कसम इनके चेहरों से मुस्कुराहट चली गई। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह अकबर आपका साहबजादा फरमाता है, दिल को अल्लाह की इबादत किया करते, रात के वक़्त मखलूक खुदा की खिदमत में निकला करते थे। असर की नमाज के बाद अल्लाह अकबर एक गट्टू के अंदर, एक शापर के अंदर, एक थैले के अंदर थोड़ा सा जौ डलवा लेते, किसी में चीनी, किसी में गुड़, किसी में हरीरा, किसी में कोई खाने की मीठी चीज, किसी में छुआरे, किसी में सत्तू डलवा लेते, फिर लाठी का सहारा लेके खड़े होते। फरमाया बच्चे एक एक थैला मेरे कंधे पे रख दे, मेरे सर पे रख दे। मैं रो के बाप के आगे हाथ जोड़ के कहता अब्बा जान मुझे बता किस यतीम के घर में दे के आना है, किस बेवा किस मिस्कीन के घर में दे के आना है। फरमाया करते बेटे तेरा काम है तू कर, मेरे कंधे पे रख दे, बाकी मेरा काम है। अल्लाह की इज्जत की कसम है गरीब की गरीबी का मैं इतना भरम रखता हूँ, अगर तू दरवाजे पे चला जाएगा तुझे भी उसकी गरीबी का पता लग जाएगा, तेरी मुस्कुराहटों में गरीब की इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। नबूवत के खानदान का चश्मो चराग खैरात ज़कात दे, इसमें किसी गरीब की इज्जत का मजाक उड़ जाए, नबी का नवासा ये इतना काम भी बर्दाश्त नहीं करता। कहने लगे असर की नमाज के बाद मेरा अब्बा फारिग होके अल्लाह का जिक्र कर रहा था, एक हिरनी आई दरवाजे के पास आ गई। मैं डर गया ये हिरनी अंदर क्यों जाना चाह रही है, मैंने हटो बचो अपनी लाठी दिखाई भाग गई। फिर उमड़ के दरवाजे पर आई, जिस तरह बच्चा बकरी के दूध के नीचे आता है, जिस तरह भैंस का बच्चा माँ के दूध के नीचे आता है, पलट पलट के मेरे बाप के कदमों में जा रही थी। मेरे का पता नहीं क्या बात है, मैं पर्दा हटा के परे खड़ा हो गया। ओ लोगो खुदाए पाक की कसम उठा के कहता हूँ, इमाम मूसा काज़िम कहने लगे मैंने मंजर देखा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह के पास वो हिरनी आई और आपके होठों के साथ होंठ जोड़ के होठों को हिलाने लग गई और उसकी आंखों से आंसू निकलने लग गए। अल्लाह अकबर, इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी उसे देख के रोने लग गए, अपनी लाठी पकड़ी, हिरनी आगे आगे चलने लगी, पीछे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अब्बा जान चलने लगे। अल्लाह अकबर, मदीने के बाजार में पहुंच गए, एक अरबी के घर का दरवाजा बजाया, वो बाहर निकला और नबी के खानदान के फर्द और नबी के नवासे क्या बात है। फरमाया अल्लाह अकबर, इस हिरनी के रोने ने मुझे मुसल्ले से उठा दिया, खुदाए पाक की कसम है ये बच्चों के लिए ऐसी तड़प रही है, मुझे खींच के तेरे दरवाजे पे ले आई कि ये सुबह से मेरे बच्चों को मेरे से जुदा करके बैठा है और नबी के खानदान के चश्मो चराग मेरी सिफारिश कर दे ताकि मेरे बच्चों को ये वापिस कर दे।
वो अरबी कहने लगा मैदान मेरा तो काम ही शिकार का है, सुबह सुबह जानवर हलाल में जंगल से पकड़ लेता हूँ और फिर मैं अगले दिन आकर बाजार में फरोख्त कर देता हूँ, जरिया माश जो मेरा बनता है इसी पर मेरा इत्तफाक है, यही मेरी बुनियाद है, यहाँ से मेरे घर का चूल्हा जलता है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कितने में बेचेगा? कहने लगा 20 दिरहम में बेचूंगा। अपने खिस्से में से अल्लाह अकबर 20 दिरहम निकाले, उस अरबी के हथेली पे रखे, उसने दोनों बच्चे लाके इमाम ज़ैनुल आबिदीन की गोद में दे दिए। आपने बच्चे हिरनी के पास रखे, अल्लाह की इज्जत की कसम बेटा कह रहा था मेरी आंख ने देखा हिरनी सिर भी हिला रही थी और आंखों से आंसू भी बहा रही थी। या तो इस मुसलमान को इंसानों के हुकूक के लिए जानवरों के हुकूक के लिए बनाया था, ये कलमा पढ़ने वाला भाई के हुकूक को ना पैद कब से करने लगा, बैल के हुकूक को ना पैद करके कब से करने लगा, उस भाई को भाई कहलाने का हक कोई नहीं जिसने अपनी बाप की विरासत में अपने बैल को महरूम कर दिया है। अगर अब्बा जान गलती करके मर गए, अब्बा जान से गलती हो गई कि उन्होंने अल्लाहु अकबर बेटी को हिस्सा नहीं दिया, तो बाप की कब्र को हल्का करने के लिए उस कागज को फाड़ दे, ऐसी विरासत बना जिसमें बहल का भी हिस्सा हो तेरा भी हिस्सा हो, तो बाप की जुदाई के बाद बाप की विरासत में से अपने भाई अपनी बहल को हिस्सा देगा। अल्लाह की इज्जत की कसम है पता नहीं विरासत का पैसा उसके घर पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, लेकिन खुदा पाक की कसम तेरे इंसाफ का फैसला तेरे बाप की कब्र में जरूर पहुंच जाएगा। मैंने ये वाकिया मुजफ्फरगढ़ के कोली साहब से सुना था, फिर मैंने वाकिया बयान किया, मुझे तसल्ली ना हुई, मेरा दिल ना ठुका, फिर मैं इसकी तसल्ली के लिए डहरकी के अंदर 4-5 मरतबा इस साल भी होके आया, मैं प्रोग्राम करके आया, वहाँ के भाई रहमतुल्ला साहब घोटकी के थे, मैंने कहा आजकल मोबाइल पर मेरा भी ये वाकिया चल रहा है, क्लिप के पर मेरी जुबान से वाकिया चल रहा है, क्या ये बात सही है? कह लगे मौली साहब सही तो आपने सही पूछा, सही बात बताओ। मैंने कहा, कहने लगे हाँ हमारे इलाके में ऐसा वाकया हुआ था, एक आदमी उसके 5 बेटे थे, एक बेटी थी, 25 मुरब्बों का मालिक था, एक एक मुरब्बा 5-5 मुरब्बे एक एक बच्चे के हवाले कर दिए, बेटी मुंह देखती रही, बाप ने एक मरला भी बेटी को न दिया। खुदाए पाक की कसम है जब 5-5 मुरब्बे बच्चों को मिले, बाप की जफ्फी डाल कर गले से लग के कहने लगी भाईओ तुम्हें जमील का टुकड़ा मिल गया, मुझे बाप के कलेजे का प्यार मिल गया। चल दिल के बाद अब्बू जान का इंतकाल हो गया, चल दिल के बाद बाप का इंतकाल हो गया, गुसल देने के बाद कफन देने के बाद जनाजा लेके जनाजगाह में गए, एक आदमी जनाजे के आगे बाहें फैला के खड़ा हो गया, कहने लगा मेरे नहीं जनाजा पढ़ाने देना जब तक मेरे 20 या 25 लाख का फैसला नहीं करोगे, मरने वाला मेरे इतने पैसों का मकरूज है। खुदाए पाक की कसम जो पिछली गाड़ी में मेरा ड्राइवर चलता था अब्दुल शकूर गुजरा वाले का रहने वाला कामोकी के अंदर, मेरे अजीज एक दुनिया दार फौत हुआ, एक बुढ़ी औरत गठड़ी लेकर लाठी लेकर जनाजे के आगे आके खड़ी हो गई, कहने लगी मुझे मरने वाले का चेहरा दिखाओ, मरने वाले का चेहरा दिखाओ, लोग समझे ननिहाल के खानदान से होगी, लोग समझे ननिहाल के खानदान से होगी। चरपाई जमीन पे रखी, कलमे वाली चादर कफल से हटाई, कफल हटाया, चेहरा दिखाया। खुदाए पाक की कसम है वो बूढ़ी आगे बढ़ी, मैयत की मरने वाले की चरपाई को टटोलने लग गई, हत्ता के उसके बाजुओं को यूं पकड़ के आगे पीछे करने लग गई, लोगों ने हटो बचो करके धक्का पीछे दिया। अम्मा क्या कर रही है? कब पुत्रों उसकी लाठी पे आवाज है, मैं सिर्फ ही देखने के लिए आई, मरने वाला कई पलाड़ तो मेरा साथ नहीं लेके जा रहा है। कौन जमीने लेके गया, किसकी कब किसके कफल में जेब है, मुझे ईमानदारी से बताओ कौन सा ऐसा आदमी, कौन सी ऐसी माई बैठी है जिसके घर से कोई जनाजा ना उठाओ। आदमी आ गया के खड़ा हो गया, कह लगा 25 मुरब्बे छोड़ के गया, मेरा 20 लाख कर्जा कौन देगा। बदमाशी सारे बच्चों की तरफ देखने लगे, इमाम साहब भी कहने लगे जल्दी करो गर्मी बड़ी है जनाजा पढ़ाना है। एक भाई कहने लगा मेरा ही अब्बा थोड़ी सी तेरा भी तो सी तू दे दे। दूसरे ने कहा अच्छा आराम के पैसे थोड़ी है तू क्यों नहीं देता। आज बोल घंटा हो गया 25 मुरब्बे देने वालों में से, और ये तो ढेरकी की बात है मेरे मरने के बाद सुनी। बताया
पाक की कसम है, अहमदपुर सियाल में आज से 2 साल पहले मैं एक आदमी के जनाजे में गया, फिर उसकी कुलखानी में गया, इतना रश। मैंने दूसरी जगह तकरीर करने के लिए जाना था, मुझे बहुत देर हो गई। मैंने कहा यार मुझे रुख्सत करो, दुआ कराओ। एक ने कान में आके कहा, मरने वाला 16 लाख रुपए का मकरूज होके मरा, जनाजे की चरपाई पे झगड़ा हो गया, बच्चों ने कहा जनाजा पढ़ाने दे, हम देंगे, कुलखानी वाले दिन आ जाना। आज अपने 16 लाख रुपए लेने के लिए आ गया, बच्चे कह रहे कब्र पे जाके मांग, बाप से हमारा ताल्लुक कोई नहीं। इन गुनाहगार आंखों ने वाकया देखा, आज पौना घंटा हो गया, कोई बाप की चरपाई को उस 20 लाख के कर से आजाद करवाने वाला कोई नहीं। बिल आखिर जनाजगाह से एक आदमी बाहर निकला, उस बच्ची के दरवाजे पर गया, उसके घर गया, जो बच्ची बाप की चरपाई का पाया पकड़ के घर से बाहर निकली और कह रही थी चाचू दसो तैसे ही मेरे बुनो कितने लेके जा रहे हो, इतना तो बता दो ताकि बाप को मरने के बाद मिल के आया करो, भाइयों का तो मुझे तबार ही कोई नहीं। उधर बाप की मर्जी निकलने का दिन होगा, उधर बाप की मर्जी निकलने की देर है, अल्लाह की इज्जत की कसम भाई इतनी आसानी से बहन को बहन नहीं कहेगा। तुम जितने भाई बैठे हो, जितने बुजुर्ग बैठे हो, अगर बैल दरवाजे पर आवे, बैल के हाथ में कुछ देने के लिए अपनी बीवियों का हाथ ना इस्तेमाल किया करो, इनका ताना भी उन्हें बर्दाश्त ना करवाया करो, पर्दे के अंदर अपनी बहल की झोली भर दे, अल्लाह तेरी झोलियां मरने से पहले भर देगा। गजवा हुनैन हुआ, कुछ लोग कैदियों के मदीना पाक आ गए, इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लोरियां लेने के लिए माँ आमना की गोद से माँ हलीमा की गोद में मुंतकिल हुए। भाई हलीमा के घर में एक बेटा अब्दुल्ला और एक बेटी जिसका नाम शीमा था। बचपन साथ गुजरा, लड़कपन 4 साल की उम्र तक साथ गुजरे, फिर वो अपने घर, हुजूर अपने घर, अता पता कोई नहीं। हजरत शीमा की शादी हुनैन के कबीले में हो गई। उधर सहाबा इकराम ने हुनैन के कबीले पे चढ़ाई कर दी, मर्द कैद करके ले आए। मक्के के सरदार आपस के अंदर, हुनैन के सरदार बैठे हैं और कह रहे हैं चंदा इकट्ठा करो ताकि ले दे के अपने अपने जो कैदी हुए हैं उनको छुड़ा के लेके आओ। अल्लाहु अकबर, हर घर के जिम्मे इतना चंदा लग गया कि इतना चंदा फी घर से लेंगे। हुनैन के सरदार लोगों के दरवाजे को बजाते बजाते हजरत शीमा के दरवाजे पर आ गए और दस्तक दे कहने लगे शीमा बीबी दरवाजा खोल, तेरे जिम्मे इतने पैसे लगे, वीरो क्या करोगे, जो हमारे कैदी मोहम्मद मद के गुलाम उठा कर ले गए, पैसे दे के छुड़ा के लेके आएंगे। बीबी शीमा कहती जब मेरे नाम में मोहम्मद सुना मेरे रोंगटे खड़े हो गए। पता तो था मदीने में है लेकिन ज़ियारत का मौका न मिला। अल्लाहु अकबर, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा वो मोहम्मद मुलाकात करेंगे, कहाँ मुलाकात करेंगे। कहने लगी हुनैन के सरदारों मैं तुम्हें मशवरा देती हूँ, अगर तुम मुझे ले जाओ तुम्हारी दबड़ी भी खर्च नहीं होगी, तुम्हारा काम भी बन जाएगा। अगर मोहम्मद वो मेरा भाई है, वो मेरा वीर मोहम्मद है, इंशाअल्लाह बगैर पैसे से तुम्हारा काम बनेगा। अल्लाहु अकबर, हुनैन के सरदार हजरत शीमा को साथ लेके चले गए। देहाती औरत थी, पहली मर्तबा शहर मदीना गई। अल्लाहु अकबर, इधर देख रही थी, नजारे दाएं बाएं के हो रहे थे, चल इधर रही थी। अल्लाहु अकबर, दौरे नबुवत अल्लाहु गनी तरक्की कर गया था। मेरे अजीजों, नबी के गुलाम नबी के कदमों में बैठे, कुछ मस्जिद नबी के बाहर तलवारें निकाल कर तलवार में तलवार डाल के पहरा दे रहे थे। बीबी शीमा इधर देखती जा रही है, वो गोद में खिलाने की खुशबू मस्जिद नबी के दरवाजे से आ रही है। कह लगी देख इधर रही थी, खुशबू मुझे उधर को खींच के लेके जा रही थी। हत्ता के अल्लाहु अकबर, मेरे ने नजर उठा के देखा तलवारों की कैंची में मुझे मस्जिद नबी के मुसल्ले पर हुजूर का मुखड़ा
नजर आया, बेख्याली के आलम में मैं तलवारों के ऊपर जाके गिर गई। सहाबा इकराम ने तलवारों की दस्तियों से यूं मुझे करके धक्का दिया, अल्लाह अकबर, मेरे भाई के करीब जाने से मुझे रोका। कह लगी पर मेरे गुस्सा ऐसा आया, मेरे दोनों सहाबा की तलवारों की दस्तियां पकड़ कर यूं करके पीछे धकेल दिया। मेरे का खल्लू सबीली वालमू अना उख्ती नबीयुकुम, ओ लोगो मेरा रास्ता छोड़ दो, मुझे हाथ लगाना, तुम्हें पता नहीं मुसल्ले पर बैठने वाला मेरा भाई, दरवाजे पे खड़ी होने वाली बहन उसकी शीमा है। सहाबा हैरान हो गए, उन्होंने कहा ये कड़ी बहन आ गई, ना भाई ना कोई मां ना बाप। और कहा चल बीबी, तेरे जैसे दावे बड़े करते हैं वो तो प्यार का पीघी ऐसी डालते हैं कि दुश्मन भी कहते हैं हमारा है। उन्हें कहा नहीं यकीन आता, पूछ गया मेरा नबी तो शर्मीला था, अल्लाह अकबर, बेटी के चेहरे पे निगाह नहीं पड़ती थी, गैर महरम के कैसे सर झुका। सहाबी आए कह लगे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मस्जिद के दरवाजे पे जो खड़ी है कह रही है मेरा भाई है, निगाहें मारे शर्म के ऊपर न उठी। फरमाया मेरी तो बहन ही कोई नहीं, मैं तो अपनी माँ का अकेला कह की हूँ। अल्लाह अकबर, साहबी दौड़ता हुआ गया, मैं सही कह रहा था, वो बहन के बहन कहने से इनकार कर दिया। कह लगी उम्मती उम्मती होने के नाते मेरी बेटी हो सकती है, लेकिन मेरी सगी बहन कोई नहीं। भाई शीमा कहती मुझे गुस्सा आ गया, मैंने यूं करके अपनी आस्तीन चढ़ा ली और मैंने कहा जा उसे जाके कह अल्लाह अकबर निशानी इसके मुँह से सुनाऊ या अपने बाजू पर दिखाऊ। साहबी कहने लगे बाजू पे क्या दिखाएगी। कहने लगी एक दिन माँ हलीमा की गोद में बैठा खेल रहा था, मुझे बड़ा प्यार आया, मैंने माँ के पैर पकड़ लिए, मैंने कहा अम्मा थोड़ी देर के लिए मुझे मेरा वीर दे दे। मदीने के बनू साथ के चौक में मेरी सहेलियां कहती है शाम के वक्त हम अपने वीरों को गुडियों पटोलों से खेलने के लिए लाती है, जो तेरा वीर चांद और सितारों से खेलता है उसका भी तो कभी चेहरा दिखा, अम्मा आज दे दे। अल्लाह अकबर, माई हलीमा कहती है मैंने शीमा की तकरार पे हुजूर को गोद में दे दिया। जब ये अपनी छोटी सी चुन्नी डालकर बनू सात के कबीले चौक में गई तो जितनी बच्चियों ने अपने भाइयों को उठा रखा था सारी बच्चियां अपने भाइयों को लेके घर की तरफ दौड़ी और मेरे कहा आओ तो सही। सारी सहेलियां कहने लगी शीमा जब तेरा वीर इस मैदान में आ गया हमारे वीरों के हुस्नों का काम ही खत्म हो गया। नबी के सहाबी से कहने लगी का तुझे पता है उस वक्त मैंने अपनी वीर को गोद में लिया था, अल्लाह अकबर, मैंने लोरी ऐसी दी थी और मैं लोरी में जो मेरे अल्फाज थे उसमें कोई शिरकिया जुमला निकल गया, इसने गोदी में खेलते खेलते गुस्से में आके मेरे बाजू पे काट लिया था। अल्लाह की इज्जत की कसम है मैंने उसके छोटे छोटे दांतों के निशानों को आज भी बचा के रखा हुआ है। जा दिखा, क्या देखना चाहता है? अगर फिर भी यकीन ना आए तो जाके कह देना अल्लाह अकबर बनू साद के कबीले में एक इतनी सी बच्ची ने तुझे गोद में उठाया था और गोद में उठा के कहा था या रब्बी अबकिलना मुहम्मदा। साहबी कहता जाता तो बाद में अल्लाह अकबर उसके रोने ने मुझे रुला दिया। मैं रोता हुआ हुजूर के पास गया, आपने फरमाया क्यों रोया? का बहल खड़ी रो रही है, दो निशानियां ऐसी बताई का एक कान में जाके बता देना, एक अगर हुक्म करे तो दिखा देना, मुझे बुलाना। अल्लाह अकबर कह रही है या रब्बी अबतिलना मुहम्मदा, इसको याद कीजिए। और कौन जमीने लेके गया, किसकी कब किसके कफल में जेब है, मुझे ईमानदारी से बताओ कौन सा ऐसा आदमी, कौन सी ऐसी माई बैठी है जिसके घर से कोई जनाजा ना उठाओ। आदमी आ गया के खड़ा हो गया, कह लगा 25 मुरब्बे छोड़ के गया, मेरा 20 लाख कर्जा कौन देगा। बदमाशी सारे बच्चों की तरफ देखने लगे, इमाम साहब भी कहने लगे जल्दी करो गर्मी बड़ी है जनाजा पढ़ाना है। एक भाई कहने लगा मेरा ही अब्बा थोड़ी सी तेरा भी तो सी तू दे दे। दूसरे ने कहा अच्छा आराम के पैसे थोड़ी है तू क्यों नहीं देता। आज पौन घंटा हो गया 25 मुरब्बे देने वालों में से, और ये तो ढेर की बात है मेरे मरने के बाद सुनी। खुदाए
पाक की कसम है, अहमदपुर सियाल में आज से 2 साल पहले मैं एक आदमी के जनाजे में गया, फिर उसकी कुलखानी में गया, इतना रश। मैंने दूसरी जगह तकरीर करने के लिए जाना था, मुझे बहुत देर हो गई। मैंने कहा यार मुझे रुख्सत करो, दुआ कराओ। एक ने कान में आके कहा, मरने वाला 16 लाख रुपए का मकरूज होके मरा, जनाजे की चरपाई पे झगड़ा हो गया, बच्चों ने कहा जनाजा पढ़ाने दे, हम देंगे, कुलखानी वाले दिन आ जाना। आज अपने 16 लाख रुपए लेने के लिए आ गया, बच्चे कह रहे कब्र पे जाके मांग, बाप से हमारा ताल्लुक कोई नहीं। इन गुनाहगार आंखों ने वाकया देखा, आज पौना घंटा हो गया, कोई बाप की चरपाई को उस 20 लाख के कर से आजाद करवाने वाला कोई नहीं। बिल आखिर जनाजगाह से एक आदमी बाहर निकला, उस बच्ची के दरवाजे पर गया, उसके घर गया, जो बच्ची बाप की चरपाई का पाया पकड़ के घर से बाहर निकली और कह रही थी, चाचू दसो तैसे ही मेरे बुनो कितने लेके जा रहे हो, इतना तो बता दो ताकि बाप को मरने के बाद मिल के आया करो, भाइयों का तो मुझे तबार ही कोई नहीं। उधर बाप की मर्जी निकलने का दिन होगा, उधर बाप की मर्जी निकलने की देर है, अल्लाह की इज्जत की कसम भाई इतनी आसानी से बहन को बहन नहीं कहेगा। तुम जितने भाई बैठे हो, जितने बुजुर्ग बैठे हो, अगर बैल दरवाजे पर आवे, बैल के हाथ में कुछ देने के लिए अपनी बीवियों का हाथ ना इस्तेमाल किया करो, इनका ताना भी उन्हें बर्दाश्त ना करवाया करो, पर्दे के अंदर अपनी बहल की झोली भर दे, अल्लाह तेरी झोलियां मरने से पहले भर देगा। गजवा हुनैन हुआ, कुछ लोग कैदियों के मदीना पाक आ गए, इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लोरियां लेने के लिए माँ आमना की गोद से माँ हलीमा की गोद में मुंतकिल हुए। भाई हलीमा के घर में एक बेटा अब्दुल्ला और एक बेटी जिसका नाम शीमा था। बचपन साथ गुजरा, लड़कपन 4 साल की उम्र तक साथ गुजरे, फिर वो अपने घर, हुजूर अपने घर, अता पता कोई नहीं। हजरत शीमा की शादी हुनैन के कबीले में हो गई। उधर सहाबा इकराम ने हुनैन के कबीले पे चढ़ाई कर दी, मर्द कैद करके ले आए। मक्के के सरदार आपस के अंदर, हुनैन के सरदार बैठे हैं और कह रहे हैं चंदा इकट्ठा करो ताकि ले दे के अपने अपने जो कैदी हुए हैं उनको छुड़ा के लेके आओ। अल्लाह अकबर, हर घर के जिम्मे इतना चंदा लग गया कि इतना चंदा फी घर से लेंगे। हुनैन के सरदार लोगों के दरवाजे को बजाते बजाते हजरत शीमा के दरवाजे पर आ गए और दस्तक दे कहने लगे, शीमा बीबी दरवाजा खोल, तेरे जिम्मे इतने पैसे लगे, वीरो क्या करोगे, जो हमारे कैदी मोहम्मद मद के गुलाम उठा कर ले गए, पैसे दे के छुड़ा के लेके आएंगे। बीबी शीमा कहती, जब मेरे नाम में मोहम्मद सुना मेरे रोंगटे खड़े हो गए। पता तो था मदीने में है लेकिन ज़ियारत का मौका न मिला। अल्लाह अकबर, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा वो मोहम्मद मुलाकात करेंगे, कहाँ मुलाकात करेंगे। कहने लगी, हुनैन के सरदारों मैं तुम्हें मशवरा देती हूँ, अगर तुम मुझे ले जाओ तुम्हारी दबड़ी भी खर्च नहीं होगी, तुम्हारा काम भी बन जाएगा। अगर मोहम्मद वो मेरा भाई है, वो मेरा वीर मोहम्मद है, इंशाअल्लाह बगैर पैसे से तुम्हारा काम बनेगा। अल्लाह अकबर, हुनैन के सरदार हजरत शीमा को साथ लेके चले गए। देहाती औरत थी, पहली मर्तबा शहर मदीना गई। अल्लाह अकबर, इधर देख रही थी, नजारे दाएं बाएं के हो रहे थे, चल इधर रही थी। अल्लाह अकबर, दौरे नबुवत अल्लाह गनी तरक्की कर गया था। मेरे अजीजों, नबी के गुलाम नबी के कदमों में बैठे, कुछ मस्जिद नबी के बाहर तलवारें निकाल कर तलवार में तलवार डाल के पहरा दे रहे थे। बीबी शीमा इधर देखती जा रही है, वो गोद में खिलाने की खुशबू मस्जिद नबी के दरवाजे से आ रही है। कह लगी, देख इधर रही थी, खुशबू मुझे उधर को खींच के लेके जा रही थी। हत्ता के अल्लाह अकबर, मेरे जीव नजर उठा के देखा, तलवारों की कैंची में मुझे मस्जिद नबी के मुसल्ले पर हुजूर का मुखड़ा नजर आया। बेख्याली के आलम में मैं तलवारों के ऊपर जाके गिर गई। सहाबा इकराम ने तलवारों की दस्तियों से यूं मुझे करके धक्का दिया।
किया, अल्लाह अकबर, मेरे भाई के करीब जाने से मुझे रोका। कह लगी पर मेरे गुस्सा ऐसा आया, मेरे दोनों सहाबा की तलवारों की दस्तियां पकड़ के यूं करके पीछे धकेल दिया। मेरे का खल्लू सबीली वालमु अना उख्ती नबीयुकुम, ओ लोगो मेरा रास्ता छोड़ दो, मुझे हाथ ला लगाना, तुम्हें पता नहीं मुसल्ले पर बैठने वाला मेरा भाई, दरवाजे पे खड़ी होने वाली बहन उसकी शीमा है। सहाबा हैरान हो गए, उन्होंने कहा ये कड़ी बहन आ गई, ना भाई ना कोई मां ना बाप। और कहा चल बीबी, तेरे जैसे दावे बड़े करते हैं वो तो प्यार का पीघी ऐसी डालते हैं कि दुश्मन भी कहते हैं हमारा है। उन्हें कहा नहीं यकीन आता, पूछ गया मेरा नबी तो शर्मीला था, अल्लाह अकबर, बेटी के चेहरे पे निगाह नहीं पड़ती थी, गैर महरम के कैसे सर झुका। सहाबी आए कह लगे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मस्जिद के दरवाजे पे जो खड़ी है कह रही है मेरा भाई है, निगाहें मारे शर्म के ऊपर ना उठी। फरमाया मेरी तो बहन ही कोई नहीं, मैं तो अपनी माँ का अकेला कह की हूँ। अल्लाह अकबर, सहाबी दौड़ता हुआ गया, मैं सही कह रहा था, वो बहन के बहन कहने से इनकार कर दिया। कह लगी उम्मती उम्मती होने के नाते मेरी बेटी हो सकती है, लेकिन मेरी सगी बहन कोई नहीं। भाई शीमा कहती मुझे गुस्सा आ गया, मैंने यूं करके अपनी आस्तीन चढ़ा ली और मैंने कहा जा उसे जाके कह अल्लाह अकबर निशानी इसके मुँह से सुनाऊ या अपने बाजू पर दिखाऊ। शाबी कहने लगे बाजू पे क्या दिखाएगी। कहने लगी एक दिन माँ हलीमा की गोद में बैठा खेल रहा था, मुझे बड़ा प्यार आया, मैंने माँ के पैर पकड़ लिए, मैंने कहा अम्मा थोड़ी देर के लिए मुझे मेरा वीर दे दे। मदीने के बनू साथ के चौक में मेरी सहेलियां कहती है शाम के वक्त हम अपने वीरों को गुडियों पटोलों से खेलने के लिए लाती है, जो तेरा वीर चांद और सितारों से खेलता है उसका भी तो कभी चेहरा दिखा, अम्मा आज दे दे। अल्लाह अकबर, माई हलीमा कहती है मैंने शीमा की तकरार पे हुजूर को गोद में दे दिया। जब ये अपनी छोटी सी चुन्नी डालकर बनू सात के कबीले चौक में गई तो जितनी बच्चियों ने अपने भाइयों को उठा रखा था सारी बच्चियां अपने भाइयों को लेके घर की तरफ दौड़ी और मेरे कहा आओ तो सही। सारी सहेलियां कहने लगी शीमा जब तेरा वीर इस मैदान में आ गया हमारे वीरों के हुस्नों का काम ही खत्म हो गया। नबी के सहाबी से कहने लगी का तुझे पता है उस वक्त मैंने अपनी वीर को गोद में लिया था, अल्लाह अकबर, मैंने लोरी ऐसी दी थी और मैं लोरी में जो मेरे अल्फाज थे उसमें कोई शिरकिया जुमला निकल गया, इसने गोदी में खेलते खेलते गुस्से में आके मेरे बाजू पे काट लिया था। अल्लाह की इज्जत की कसम है मैंने उसके छोटे छोटे दांतों के निशानों को आज भी बचा के रखा हुआ है। जा दिखा, क्या देखना चाहता है? अगर फिर भी यकीन ना आए तो जाके कह देना अल्लाह अकबर बनू साद के कबीले में एक इतनी सी बच्ची ने तुझे गोद में उठाया था और गोद में उठा के कहा था या रब्बी अबकिलना मुहम्मदा। सहाबी कहता जाता तो बाद में अल्लाह अकबर उसके रोने ने मुझे रुला दिया। मैं रोता हुआ हुजूर के पास गया, आपने फरमाया क्यों रोया? का बहल खड़ी रो रही है, दो निशानियां ऐसी बताई का एक कान में जाके बता देना, एक अगर हुक्म करे तो दिखा देना, मुझे बुलाना। अल्लाह अकबर कह रही है या रब्बी अबतिलना मुहम्मदा, इसको याद कीजिए। और मुवत वाली चादर जमीन पे गिर गई, जल्दी से मस्जिद नबी के दरवाजे पे चले गए, बहन शीमा को देख के रोने लग गए। बहन शीमा कहने लगी क्या बात है, का इतना भी छोड़ा इतनी जुदाई के बाद आज मुलाकात की। अल्लाह अकबर, सहाबा कहते अपनी चादर मुबारक मंगवाई, भाई शीमा के रास्ते में बिछाई अपनी चादर पर, उसको अपना हाथ पकड़ के लेके आए, हर एक से तारुफ करा रहे थे, ओ मेरे यारो ये वो मेरा मोहसिन घराना है, जब सारी दाइयां यतीम समझ के छोड़ गई अल्लाह अकबर इसकी मां रहमतुल्लिल अमीन समझ के मुझे ले आई थी। मेरी बहनों में आपसे अर्ज करता हूं अगर बहन भाई आपस में बैठे हो मुदाखलत ना किया करो, थोड़ी देर बहन भाइयों को आपस में बैठने दिया करो, क्या पता बहन के चेहरे में माँ का चेहरा नजर आएगा, भाई के चेहरे में बाप का चेहरा नजर आएगा।
इतना किसी के पास वक्त थोड़ी है जो साथ से करेगा, ऐसी भी कोई देवरानी थोड़ी है जो भाभी के लिए तावीज लेके आएगी, वो तो अपने भाइयों की नस्ल को देख के दुआ मांगेगी, अल्लाह मेरी उम्र भी मेरे वीर को ला दे। हजरत शीमा हुजूर से बातें कर रही है, अल्लाह अकबर, याद दिला दिला कर ऐसे खेला करते थे, ऐसे लाया करती थी, मैं दुपट्टे में यूं करके छुपाया करती थी, अल्लाह अकबर। फिर कहने लगे, भाई तुझे वो वक्त याद है, पहला दिल था जब मेरी अम्मी तुझे लेके आई, शाम का वक्त था, हमारे घर का दरवाजा बजने लग गया, अल्लाह अकबर, मेरा अब्बा हारिस दरवाजे पे गया, पूरा बरूसात का कबीला बाहर खड़ा था, मेरा अब्बा डर के अंदर आ गया और मेरी अम्मी भाई हलीमा से कहने लगा, भाई हलीमा देख तो सही, सामने वाली जो पड़ोसन है जिसकी घर की दीवार के साथ दीवार है, उम्मे खौला सादिया पूरे सरदारों को, पूरे बरूसात के कबीलों को लेके आ गई, मर्द औरतों को लेके आ गई। बीबी हलीमा उठी, दरवाजे की थोड़ी सी झीरी खोली, कह लगी, ए उम्मे खौला सादिया, मुझे आज परेशान न कर, मैं पैदा करने वाले की अमानत को लेके आई हूँ, आज मुझे डिस्टर्ब न कर। उम्मे खौला सादिया भाई हलीमा की बाजू पकड़ी, बार खींची, भाई हलीमा अंदर की तरफ है, ऐ मैं कमजोर औरत हूं और मेरे पे इतना जोर न दे, तो मुझे बता तो सही बार क्यों खींच रही है। सुनो सुनो अहलिया ने दीबाल पर, नबी का शान सुनो, मकामे मुस्तफा सुनो, नबी के चेहरे की रौनक सुनो, नबी के चेहरे का नूर सब सुनो, खुदाए पाक की कसम है, अगर ये नूर समझ आ गया तो नूर मशर के झगड़े खत्म हो जाएंगे। उम्मे खौला सादिया बा पकड़ के खींच रही है, मां हलीमा अंदर खींच रही है, मां हलीमा ने बांह छुड़ाते हुए कहा, दस तो सही क्या बात है। कहा उम्मे खौला सादिया, कहने लगी, हलीमा जिंदगी गुजर गई, बुढ़ापा आ गया, तेरे बच्चे जवान होने को आए, तेरा शोर बूढ़ा होने को आया, तेरे घर में इतनी गरीबी थी, आज तक तेरे घर के दिए में चिराग ना जल सका, लेकिन आज तू दिया कहां से लेके आई, आज ये कंदील कहां से लेके आई, आज ये लालटेन कहां से लेके आई, जिसने तेरे घर के माहौल को मुअत्तर कर दिया, इतना नूरानी चेहरा, इतना नूरानी माहौल है, इतनी चमक है कि तेरे घर की दीवारें फाड़ फाड़ कर पूरे बरूसात के कबीले को रोशन कर रही। हजरत हलीमा मुस्कुराने लगी, उम्मे खौला सादिया का हाथ पकड़ा, अंदर ले आई, हुजूर के रुखे अनवर से चादर हटाई, अच्छी तरह इस चिराग की ज्यारत कर ले, अच्छी तरह इस चिराग का दीदार कर ले, अच्छी तरह इस रोशनी का दीदार कर ले, और बाहर जाके बरूसात के कबीले वालों को बता दे, अल्लाह की इज्जत की कसम है, क्या बात है। साहबा कहते हैं, मैंने देखा वो औरत, वो शीमा बीबी हुजूर के सामने झोली फैला के बैठ गई, कहा चल दिल पहले तेरे असाब तेरे गुलाम हुनैन के कबीले पे चढ़ाई करने के लिए आए, हमारे रिश्तेदारों को हमारे घर वालों को कैदी बना के ले आए, लोग छुड़ाने के लिए चंदा जमा कर रहे थे, जब मेरे दरवाजे पर आके तेरा नाम लिया, मुझे वो बचपन का खेलना याद आ गया, मुझे माँ की खिदमत करना याद आ गया, अल्लाह अकबर, बकरियों का तेरे चेहरे की ज़ियारत करना मुस्कुराना याद आ गया, मेरे का जिससे जानवर फैज पाए वो बहनों के लिए कितना हमदर्द और प्यार करने वाला होगा। भाई झोली लेके भाई दामन लेके झोली फैला के तेरे सामने आके खड़ी हो गई, अब तेरी मर्जी जलील करके निकाल दे, तेरी मर्जी इज्जत दे दे। साहबा इकराम फरमाते हैं, साहबा कहते हमने देखा ऐसे रो रहे थे जैसे बच्चा रोया करता है, अल्लाह अकबर, अबू बकर इधर आओ, उमर इधर आओ, उस्मान इधर आओ, मदीने वाले आ जाओ, मक्के वाले आ जाओ, रूम वाले आ जाओ, फारिस वाले आ जाओ, गफारी कबीले वाले आ जाओ, बनुसाद कबीले वाले आ जाओ, फारस कबीले वाले आ जाओ, अल्लाह अकबर। ओ लोगों, बहन दुखड़ा लेके आई है, बहन मेरे पास भाई के पास कोई हाजत लेके आई है, अब मैं तुम्हारे से मशुरा मांगना चाहता हूँ, तुम मुझे बताओ मैं से रोता भेज दू या मैं से हंसा के भेजू। बल्कि एक रिवायत में यूं आया, बदरी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजरत शीमा की झोली का कोना पकड़ा, फरमाया ओ लोगों, मशुरा करना मेरी सुन्नत है, मैंने हर काम में मशुरा करने को कहा, लेकिन बहन दरवाजे पर झोली फैला के आके खड़ी हो गई, ओ लोगों, आज मैंने मशुरा करना शुरू कर दिया तो बहन की कमजोरियों की इज्जत का जनाजा निकल जाएगा, याद रखना दीबालपुर वालों, अगर तुम्हारे पास बहन आ जाए, उसके कपड़ों में सुराख नजर आए, उसके घर के बर्तन में आटा नजर ना आए, उसके चूल्हे में आग नजर
नजर ना आए, उसके डब्बे में घी नजर ना आए, उसकी छोटी छोटी डब्बियों में मसाला नजर ना आए। अल्लाह अकबर, मैं मोहम्मद मुसल्ले पे खड़ा होकर ऐलान कर रहा हूँ, मशूरा ना करना, मैं मोहम्मद मुसल्ले पर खड़ा होकर ऐलान कर रहा हूँ, दूसरों के कानों में कह के बाप बैल की इज्जत का जनाजा ना निकालना। अल्लाह की इज्जत की कसम है, जो बैल को अपने दरवाजे से मुस्कुरा के भेजेगा, कबली वाला हौज़े कौसर पे खड़ा होकर उसमें मुस्कुराएगा। साहबा बहन आई है, बताओ माल कटाऊ बढ़ाओ। साहबा कह लगे कबली वाले मांग क्या मांगती है, कजा हुनैल के कैदी आए बैल झोली। अल्लाह अकबर, झोली फैला के आज वो कैदी वापस लेने का सवाल करती है। साहबा तड़प गए, अबू बकर धाड़े मार के रोने लगे, बिलाल हबशी दीवार के साथ लग के रोने लगे, सलमान फारसी कदमों पे हाथ रख के रोने लगे। कबली वाले हम कुछ ना थे, आपने में सब कुछ बना दिया, हमारे पर तो गली के जानवर भी बोका करते थे, लेकिन तेरे कदमों में आके बैठ गए। अर्श के फरिश्ते आसमान से जमीन पर आकर हमारे कदमों का बोसा लेके जाने लगे, हमारे जनाजों में आके शामिल होने लगे, हमारी मैयतों को कंधा देने लगे, हमारे बच्चों के लिए दुआएं करने लगे। कबली वाले ये तो गुलाब की बात करते हैं, हमने तो जिस्म की बोटी बोटी तेरे पर निछावर करने का सौदा कर दिया है। बैल देखी, बैल का मान बढ़ाया, माँ आई, अल्लाह अकबर, ओ लोगो माँ आई तो माँ का मान बढ़ा दिया। हजरत अली माँ सादिया की सवारी मस्जिद नबी के पास से गुजरी, मुसल्ला छोड़ के आगे निकल गए। तीन दिन भाई हलीमा हुजूर के घर में रही। साहबा कहते हैं किसी से बात न करते, नमाज पढ़ाते चले जाते। तीन दिन के बाद औरत आगे जा रही थी, बुढ़ी औरत आगे जा रही थी, चार कपड़ों की गठड़ी उठा के पीछे पीछे जा रहे थे। तीन मील तक भाई हलीमा की सवारी की लगाम पकड़ के मदीने से बाहर छोड़ के आए, वापिस आ रहे थे। आज तीन लोग से आंसू साफ करते हुए आ रहे थे, तीन मील पैदल गए, तीन मील पैदल चल के आए। साहबा ने रोने की वजह पूछी, माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए। फरमाया अल्लाह अकबर, तुम्हें आज पता नहीं आज कौन सी हस्ती में मोहम्मद के घर में आई थी, आज मेरी माँ हलीमा घर आई थी। ओ लोगों मैंने ऑर्डर दे दिया, आयशा मेरे कपड़े मिला के दे दे, आयशा मेरे दूध मिला के दे दे, आयशा मेरे हिस्से का खाना दे दे, आयशा इसे सास समझ के माँ समझ के खिदमत कर, सौदा इसके सर में तेल लगा ले, इसके कोई कपड़े धो दे, ताकि आज माँ हलीमा की खिदमत करके बताऊं। ओ लोगों माओ को इज्जत दिया करते हैं, माओ को जलील नहीं किया करते। बेटी है तो बेटी का मान बढ़ा के दिखाया, बेटी को खुदा की रहमत का हिस्सा करार दे दिया। बस मैं बात मुख्तसर करूंगा, दीपाल बुरवालो खुदा ने तुम्हें दुकान का मालिक बनाया, परवरदिगारे आलम ने तुम्हें जायदाद का मालिक बनाया, एकड़ दो एकड़ का मालिक बना दिया, मरले दो मरले का मालिक बना दिया, चार मरले के मकान का मालिक बना दिया, घर के अंदर दो बच्चे तीन बच्चियां, खुदा के वास्ते मरने से पहले बच्चियों के साथ अच्छा बर्ताव करना, इनको जमीन में हिस्सा दे देना, इनको मकान में हिस्सेदार बना देना, ताकि तेरे मरने के बाद ये मकान के अंदर तेरे मकान में आजादी से आ सके। अगर तूने सारा कुछ इनसे ले लिया, खुदाए पाक की कसम है, मैं कराची के अंदर मगरिब की नमाज के बाद बयान के लिए बैठा था, नॉर्थ कराची के अंदर बैठा था, एक मकान से चीखे मारने की आवाज आई, बालकोनी से मैं पढ़ने लगा। कहने लगा हजरत दादा बैठी कोई बात नहीं, हम देख के आते हैं। साहिब मकान थोड़ी देर के बाद आया और मुंह लटका के रोना शुरू कर दिया। कहने लगा अल्लाह करे बच्चियों के माँ बाप ना मरे, अल्लाह करे बच्चियां यतीम ना हो। मैंने कहा क्या हुआ? कहा इस घर से एक साल पहले बाप का जनाजा उठा था, एक भाई चार बहने चार बच्चियां, एक साल के बाद घर में आई। कह लगी भाई आजा, अब्बा को कुरान पढ़ के याद करे, दुरूद शरीफ पढ़ के याद करे, आज के दिन हमारे बाप का जनाजा उठा था, ये हमारे बाप का मकान है, दीवारों में से बाप की कितनी खुशबू आ रही है, चरपाई में से कितनी खुशबू आ रही है। कह जालिम भाई समझा, चार बहने मकान पे कब्जा करने के लिए आ गई, भाई ने एक एक का गिरे बाल पकड़कर मुंह पर थप्पड़ मार के घर से निकाल दिया है। तुम तो गलत फैसले करके कब्र में चले जाओगे, अल्लाह की कसम सुकून से सो ना सकोगे, उधर बेटी रोएगी, इधर अल्लाह कब्र में तुझे हंसने की इजाजत नहीं देगा। एक
एक आदमी जनाजगाह से उस बच्ची के घर चला गया, कब बेटी दरवाजा बजाया, अल्लाह अकबर, मरने वाले की बेटी कहाँ है, चाचू क्या बात है, कब बेटी जल्दी आ जा वरना यूं ना हो तेरे बाप की मैया सड़ जाए। एक आदमी कह रहा मैंने 20 लाख रुपया देना है, कह लगी भाई कहाँ चले गए जिन्होंने 5-5 मुरब्बे लिए थे, अल्लाह अकबर। वो कहने लगी चाचू जान, वो कहने लगा बेटी जान, अल्लाह अकबर, भाई आपस में लड़ रहे हैं। वो कह रहे मेरा अकेले का अब्बा थोड़ी है, वो कह रहे मेरे अकेले का अब्बा थोड़ी है। कह लगी फिर 20 लाख की किसी ने हामी भरी, कह नहीं नहीं। अंदर गई बुरका पहन के आ गई, इतनी जल्दी में आई के पैर में जूता पैर तो भूल गई, दौड़ी दौड़ी जनाजगाह की तरफ गई और जाके जनाजगाह के दरवाजे पे खड़ी होके कह लगी चाचू जी मौली साहब मुझे बाप का चेहरा देखने की इजाजत दे दो। लोग सफे तोड़ के पीछे हट गए, आगे बढ़ी, बाप के चेहरे से कलमे वाली चादर हटाई, बाप के चेहरे से कफन हटाया, अल्लाह अकबर, हिजकियों के साथ दाड़े बार बार के रोने लग गई। जनाजा पढ़ने वाले देख रहे थे, बेटी की आंख से आंसू निकल कर बाप की दाढ़ी चेहरे पे गिर रहे थे, बाप का माथा चुमा, कह लगी अब्बा फिक्र न कर मैं आ गई, तूने तो जिंदगी में कुछ मुझे कुछ ना दिया, आज रगों से खून के कतरे निकाल के तेरे पे निछावर कर दूंगी, गोश्त की बोटियां करके अब्बा जान तेरा कर्जा उतारूंगी। फिर अकड़ के कहने लगी कहां है वो आदमी जिसने मेरे बाप से 20 लाख रुपए का कर्जा लेना है। वो आदमी आगे बढ़ा, अपने परस का तरियु करके अपने परस को खोला और बकाल की चाबी निकाल के कह लगी चाचा मेरे पास है कुछ नहीं लेकिन ये मुझे सबसे ज्यादा प्यारा है, अल्लाह अकबर, एक मेरे पास सर छुपाने की छत है, आज बाप के कदमों पर उसके जनाजे के लिए बेटी छत भी कुर्बान कर रही है, चाचा ले जा ये मेरे बकाल की जाके बोली लगवा ले, कब पड़ गया तो मुझे आके बताना, मैं अपने जिस्म की बोटियां करवा के बेच दूंगी, मेरे बाप का जनाजा रोक के मैं इसकी इजाजत नहीं देती। उधर कर्जा देने वाली चुप हुई, कर्जा लेने वाला चीखे मार मार के रोने लग गया, कह लगा बेटी मेरे तुझे इतना रुलाया इतना तड़पाया, खुदा के वास्ते मुझे माफ कर दे, असल मेरे कर्जा लेना नहीं मेरे कर्जा देना है, तुम्हारे बाप से मेरे बुरे दिनों के अंदर जब मेरे प्याला आपसे 20 लाख रुपए लेके गया था, आज पता लगा तेरा बाप मर गया, खुदाए पाक की कसम जो बच्चे जमील के टुकड़ों पे वारिस के टुकड़ों पे लड़ने लगे, जो बकाल और जदादों पे लड़ने लगे, बाप की गाड़ी और बैक बैलेंस पे लड़ने लगे, वो बाप की चरपाई और कबर के वारिस कहाँ होंगे। मैंने ये सारा ड्रामा इसलिए किया कि बाप की कबर की वारिस नजर आ जाए, जो मरने के बाद बाप को कब्रिस्तान जाकर या अपने घर में बैठ के कुरान पढ़ पढ़ के याद करेगी, अब्बा की चरपाई को देख के कहेगी यहाँ मेरा अब्बू बैठा करता था, इस बर्तन में खाया करता था, ये मेरे अब्बू की पगड़ी है, ये मेरे अब्बू का कंग है, ये मेरे अब्बू की जूती है, खुदाए पाक की कसम है, ओ लोगो मरने से पहले कोई बेटी को पीछे छोड़ के चले जाना, अल्लाह अकबर। भाइयों जिस घर में जनाजा पढ़ाओ उस घर से रोने की आवाज ना है, समझ लो इस घर के अंदर रोने वाली बेटी कोई नहीं है। आज का आपको ये पैगाम दे के जा रहा हूँ, नेकी का काम था, हाफिज शबान साहब ने, भाई एहसान साहब ने, अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद की इंतजामिया ने, जलसा की कमेटी ने, राव साहब ने, अल्लाह अकबर, बुजुर्गों ने, मकसूर साहब ने, इतना बड़ा प्रोग्राम सजा दिया, दाम में दिनों में सुखन में जिन्होंने हिस्सा लिया, मैं भी आता मेरे अजीजों दाए बाएं की हाँ कूँ के चला जाता, अल्लाह अकबर, मैंने कोई आपको किस्सा नहीं सुनाया, हकीकत से पर्दा उठा के गया, अगर ये मेरी बात अच्छी लगे तो बेटियों वालों खुदा के वास्ते आज खुदा के घर में वादा करके चले जाओ, वादा करके चले जाओ, बेटी की नाराजगी बेटे की नाराजगी बर्दाश्त कर लेना, लेकिन बच्चियों को हिस्से से अलहदा न करना, अल्लाह ने जो तकसीम कर दी बेटे को दो हिस्से बेटी को एक हिस्सा, ये शरीयत के मुताबिक हिस्सा दे के चला जा, खुदा पाक की कसम है तेरे इस हिस्से से मखलूक खुश हो गई तो कब्र में मुस्कुराता हुआ जाएगा, कब्र के अंदर आसानी से अल्लाह तुझे लेटना नसीब कराएगा। आज मेरे अजीजों बेटियों को बेटी समझो, ये पुराया धन है, आज नहीं तो कल कोई पलछी ने आके ले जाएगा, कोई ऐसा जाल बिछाएगा इसके जाल में इसे फंसना ही पड़ेगा, फिर तुम दीवारों में सर मार मार के रोगे, फिर तुम्हें सुबह चाय देने वाली, तेरे कपड़े धोने वाली, अल्लाह अकबर, तेरे पैर दबाने वाली जब अपने पिया के घर में चली गई, वहां ये जुदाई में रोएगी या ये जुदाई में रोएगा, इससे बेहतर नहीं है हिस्सा दे के चले जाओ, घरों के अंदर खुद
मुख्तारी दे के चले जाओ, विरासत दे के चले जाओ, ताकि तुम्हारी बच्चियां तुम्हारे जाने के बाद बड़ी ठाट और शान से तुम्हारे घर में आए। खुदाए पाक की कसम, बच्चा बैठक के अंदर दोस्तों को बिठाएगा, चाय पिएगा, सिगरेट पिएगा, जब ये बेटी घर के अंदर सहेलियों को बिठाएगी, कहेगी आज सूरह यासीन ना पढ़ ले, आज सूरह फातिहा ना पढ़ ले, अल्लाह की इज्जत की कसम है, उधर कुरान की तिलावत होगी, उधर जन्नत की खिड़की कब्र में खोल दी जाएगी। तो आज नियत करो इंशाल्लाह, अगर घर के अंदर बेटियां बेटे मौजूद है, बराबर का हिस्सा देंगे इंशाल्लाह। अगर किसी ने सब कुछ बच्चों के नाम कर दिया तो भाई बाप से पहले बच्चे बाप के पैरों में पड़ जाए। अब्बा जान, मौलवी साहब कोई पागल तो नहीं था, इस मिंबर पर बैठकर अल्लाह के घर के अंदर बैठ गए, कसमें उठा उठा के चला गया। अब्बू जी ऐसी जमील पे मैं लानत भेजता हूँ जो जमील का टुकड़ा बहल को रुला दे, बहल को तड़पा दे। अब्बा जान मैं तो तल के कपड़े भी उतार के बहल के कदमों पर निछावर कर दूंगा। मौलवी साहब बतला के चला गया, अगर बहल भाई के लिए रोने लग जाए, बहल बाप के बेटी बाप के लिए रोने लग जाए, तो इसका आंसू इतना कीमती है, जब से आज जब तक अर्श वाले को राजी नहीं करवा लेता, यह आंसू अल्लाह के अर्श के नीचे खड़ा रहता है। और बहनों से भी ख्याल करो, बहनों से भी कहूंगा अपने भाइयों का ख्याल किया करो, नमाज के बाद याद किया करो, तस्बीह पढ़ के इनके लिए दुआ किया करो। खुदाए पाक की कसम है, भाइयों ने भाइयों के लिए दुआ किया करो, दुनिया की मार्केट में सब कुछ मिलेगा, भाई को बहल का प्यार नहीं मिलेगा, बहल भाई और बहल को भाई का प्यार नहीं मिलेगा, ये तो अल्लाह का तोहफा है। अल्लाह तुम्हारे बहन भाइयों में मोहब्बत और बढ़ा दे, मियां बीवी में मोहब्बत और बढ़ा दे, बाल बच्चों में अल्लाह मोहब्बत और बढ़ा दे। अल्लाह अखलाक वाली, किरदार वाली, नेकी वाली अल्लाह जिंदगी सारी सबको नसीब फरमा दे। मेरे अजीजों, इन जलसों का मकसद ये है, उम्मत कल में नमाज पर आ जाए, उम्मत तो गुनाहों वाली जिंदगी से तोबा करे, अच्छी जिंदगी की तरफ आ जाए। आज सारा मजमा, उलमा भी, सुलहा भी, छोटे भी, बड़े भी, नेक भी, बद भी, बच्चे भी, बूढ़े भी, जवान भी, औरतें भी, मर्द भी, आज से नई जिंदगी जीने का इरादा करे, गुनाहों से पाक जिंदगी, बद अखलाकी से पाक जिंदगी, बदहदी से पाक जिंदगी, सूद हरामकारी गालम गलौज से, झूठ और गीबत से पाक जिंदगी आज जीने का वादा करो। और जितनी जिंदगी गुनाहों वाली गुजर गई, आज सारे मिलके अल्लाह से तौबा कर लो, अल्लाह से माफी मांग लो, इस तौबा का इजहार मजमे में बैठ के जुबान से कर लो, और सारा मजमा मिलके कह दे या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कह दो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कह दो या अल्लाह मेरी तौबा। उलमा इकराम ने फरमाया, बंदा जमील पर तीन मर्तबा कहता है अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह अर्शे बरी पे कहता है जाओ माफी मांगने वालों, मैंने माफ कर दिया। नई जिंदगी का आगाज हो, नमाज जिसकी इशा की रह गई हो पढ़ के सोए, और जितने बैठे हैं और जो घर में सो रहे हैं उनकी भी फिक्र करे, और अपनी भी फजर की नमाज की फिक्र करे। सिर्फ आज और रात की जुमा की नमाज नहीं, जब तक जिस्म में जान बाकी है, जब तक रूह बाकी है, जब तक वजूद के अंदर ताकत बाकी है, मस्जिद के अंदर आकर जमात के साथ नमाज का सजदा करना, झूठ से बचना, हलाल रोजी कमाना, किसी से ज्यादती ना करना, ना किसी का हक खाना, कोई खाए तो उसे देखकर माफ़ कर देना, ये नबियों वाली ज़िंदगी है। अल्लाह इस कामिल ज़िंदगी को हमें अपनाने की तौफीक दे। वा आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।